अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शिराज अनवर विद योर वेरी ओन शो लाइव वायर। नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम बात करेंगे आईटी सेक्टर के बारे में। आईटी सेक्टर $3 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करता है इकोनॉमी में और जीडीपी का 3-5% रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए हमने इसको, इस सेगमेंट को इंक्लूड किया है हमारे लाइव वायर के सेगमेंट में। और आईटी सेक्टर के बारे में अगर हम गुज़श्ता आपको बताए थे कुछ टॉपिक्स, आज भी हमारा टॉपिक जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक होगा, आईटी सेक्टर से रिलेटेड होगा। और आज हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल रियलिटी के बारे में, और उसी से रिलेटेड हमने आज के हमारे गेस्ट होंगे डॉक्टर फारूक आरिफ साहब। ही इज़ एन एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन NID यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब। वालेकुम अस्सलाम शिराज। फारूक साहब, व्हाट इज़ वर्चुअल रियलिटी? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिकली वर्चुअल रियलिटी जो है वो इट्स नॉट समथिंग विच वी कैन से इज़ एक्सट्रीमली न्यू, बट इसकी एवोल्यूशन वाइज जो एडवांसमेंट है उस हिसाब से इफ़ यू लुक अराउंड इट हैज़ बिकम मोर फ्रीक्वेंट। एक्चुअली द बोथ ऑफ द वर्ड्स वर्चुअल रियलिटी आर गोइंग अपोजिट टू ईच अदर एंड दैट इज़ द मेन मीनिंग। होता ये है कि इफ़ यू टॉक अबाउट रियल इन्वायरमेंट, द रियल इन्वायरमेंट हैज़ मैनी फिजिकल फीचर्स एंड ऑल सच थिंग्स। अगर हमें उसको सिमुलेट करना हो और उस जैसी या एस्पायर्ड किस्म की एक इन्वायरमेंट क्रिएट करनी हो, एंड देन एज अ ह्यूमन वी वॉन्ट टू मूव इन टू दैट इन्वायरमेंट, और एज टेक्निकली वी से वी वॉन्ट टू बी इमर्स्ड इन दैट इन्वायरमेंट वॉक थ्रू, उसको वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। सो इट प्रोवाइड्स अ फीलिंग टू द ह्यूमन बींग और द पर्सन हु इज़ गोइंग थ्रू दैट इन्वायरमेंट एज इफ ही इज़ मूविंग इन अ सिमुलेटेड रियल इन्वायरमेंट। सो इट इज़ नॉट रियल, बट देन That is why we call it virtual reality. Near real. तो उसमें आप basic जो इसका key word है, that is simulated environment in which a human being can go through and perform different tasks. What can be gauged from virtual reality? I mean, if we want to give an example of virtual reality, so what we can give in a simple word, जो कि हमारे नाज़रीन को समझ में आए कि किससे वो relate कर सकते हैं virtual reality को? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप आजकल जो बच्चे हैं ना, वो आपको इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे। गेमिंग इंडस्ट्री इज़ गोइंग फार अहेड इन दैट। इसका जो कमर्शलाइजेशन का पर्सपेक्टिव भी आया वो गेमिंग इंडस्ट्री से पहले आया, हालांकि इट इज़ अ इसकी एप्लीकेशन साइड इज़ मच ब्रॉडर देन दैट। पीपल नो अबाउट ऑकुलस नाउअडेज, दे आर वेरी मच फेमिलियर विद हॉलोलेंस, दीज काइंड ऑफ डिवाइसेज विच आर देयर। और प्ले स्टेशन, अगर आप गेमिंग सोनी प्ले स्टेशन, तो वो मुख्तलिफ हेडसेट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। और गेमिंग इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ बींग वर्चुअल। कुछ अरसे पहले एक इस तरह के गेम्स थे, ऑल दो नॉट वेरी, आई डोंट रिकमेंड दोज का, बट जैसे काउंटर स्ट्राइक और इस तरह के गेम्स आए थे जिसमें द यूजर्स फॉर गोइंग थ्रू डिफरेंट सिमुलेशन, दैट वॉज द बेसिकली स्टार्ट ऑफ द गेमिंग वर्चुअल रियलिटी। As far as common life uses are concerned, it's like soft models being used to perform different experiments or different routines. Even ke jo aap Google Map pe move kar rahe hote hain, although it's not, it's navigation more and less virtual, lekin hamare paas uski bhi virtual environment create ho chuki hai. To jab aap move kar rahe hain, you'll be tracked in that system. That tracking is through satellites, and the virtual environment tracking is through sensors again, different kinds of sensors. तो जो आप walk through कर रहे होते हैं, जो आप जा रहे होते हैं, आपकी positioning आ रही होती है, you can relate it to that. It's not actual street walk. Street walk जो हो रही होती है, मैं exactly उसी पे आ रहा था कि if you look at कि आप एक navigate कर रहे होते हैं, लेकिन आप street walk करें, you are moving through that. अब उसमें ये है कि that is a still image once produced. Google जैसे for example अपने images को periodically update करता है with the user provided information, तो वो जो street view है, this is a very simplistic example of anybody who is using the kind of virtuality. सिर्फ फर्क ये है कि आप street view में you are not going to change that thing, interactive नहीं हो रहा। VR systems में you can interact, you can play, you can walk around, you can change things, etc. सर, इससे related ही मैं पढ़ रहा था, तो उसमें आ रहा था कि it's basically more related to three dimensional computer generated images and models. So what can you describe in that? उसका start तो यही है कि आप 3D models को enable कर रहे हैं through modeling in the virtual environment, के जो भी user है
ही कैन बी इन दैट मॉडल. अभी जब आप 3D मॉडल बनाते हैं या 3D मॉडल देखते हैं तो इट येस इट प्रोवाइड्स यू अ वॉक थ्रू, इट प्रोवाइड्स यू डिफरेंट काइंड ऑफ 3D व्यूज परस्पेक्टिव, जिसको हम रेंडरिंग कह सकते हैं, वी कैन गेट रेंडरिंग इमेजेस. जब हम वर्चुअल रियलिटी में जाते हैं तो जो रेंडरिंग है, रेंडरिंग में यू कैन इमर्स अ पर्सन एंड देन ही कैन चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स. सिंपल कंप्यूटर मोनो मोनो व्यू के अंदर यू कैन ओनली व्यू इट फ्रॉम 3D परस्पेक्टिव, लाइक आइसोमेट्रिक व्यू और ये सारे जो ऑब्लिक व्यू. लेकिन जब आप VR में जाते हैं सो यू कैन यू आर देयर इनसाइड एंड यू वुड बी फीलिंग. अगर मैं जैसे 3D मॉडल में मैं 3D मॉडल को रन करके देखूंगा तो 3D स्टीरियो प्रोजेक्शन या 3D स्टीरियो, जब मैं वर्चुअल में उसको देखूंगा इफ आई लुक बैक सो आई वुड बी लुकिंग एट समथिंग विच वुड बी अ फिजिकल फीचर फ्रॉम दैट मॉडल. अच्छा, तो ये उसमें डिफरेंस है. तो इसको हम इस तरह बता सकते हैं कि आपने गेमिंग का तो बड़ा अच्छा एग्जांपल बता दिया. अगर हम गेमिंग से हट के अगर बात करें तो क्या ऐसी कोई एप्लीकेशंस या ऐसी कोई चीज़ें हैं जो कि रियल स्टेट पे चले हम डिस्कस कर लें, तो रियल स्टेट के हवाले से कोई एप्लीकेशन है? बिल्कुल हैं. इसके जो मेजर सेक्टर्स हैं एप्लीकेशन के, दैट इंक्लूड्स मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग साइंस और इंजीनियरिंग साइंस एंड आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर आप कह लें. रियल स्टेट के हवाले से मैं आपको मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ. इवन इन द टाइम ऑफ नॉर्मल रियल स्टेट प्लानिंग आप देखते होंगे कि इफ़ यू फॉर एग्जाम्पल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की अगर हम बात करें, सो इफ़ यू लुक दे यूजली टेंड टू हैव के काइंड ऑफ अ फिजिकल मॉडल, और वो अपने कस्टमर्स को अपनी मार्केटिंग के लिए और बाकी तमाम चीज़ों के लिए वो फिजिकल मॉडल्स ही इस्तेमाल होते थे. जी जी. अब अगर आप देखें, इफ़ यू लुक अराउंड एनी एडवर्टीजमेंट दैट इज़ कमिंग ऑफ अ रियल स्टेट प्रोजेक्ट और समथिंग लाइक, यू विल फाइंड आउट कि उसमें एक 3D वॉक थ्रू व्यूज हैं, वो एनिमेटेड हैं सारे, यूजुअली थ्रू एनिमेशन सॉफ्टवेयर्स हैं. दैट इज़ हाउ देन आफ्टरवर्ड्स वी कन्वर्टेड इनटू अ वर्चुअल फॉर वर्चुअल एनवायरनमेंट. तो उसमें बहुत सारी है, लेकिन इसके साथ साथ सिटी प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग में एक एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ. क्राइस्ट चर्च में एक बहुत ही डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया था, उसके बाद वहाँ पर उन्होंने उसको पूरे जो डिवास्टेटेड उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको मॉडल किया फॉर इन काइंड ऑफ एन ऑगमेंटेड मिक्स रियलिटी काइंड ऑफ अ थिंग विच इज़ ए टाइप ऑफ अ वर्चुअल रियलिटी. और उसमें उन्होंने क्यों किया, ताकि नंबर वन सिटी प्लानर्स कैन गेट एन आइडिया ऑफ हाउ मच डिवास्टेशन हैपेंड, नंबर टू के वो ताकि वो प्लानिंग में, नंबर टू के फिर जो उनको चीज़ें सही करनी थी, जो उनको फीचर्स को अपग्रेड करना था, उसके बारे में एक रियलिस्टिक वॉक थ्रू. सो इट्स अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस काइंड ऑफ अ थिंग. तो इन बोथ केसेस के इफ़ यू आर मार्केटिंग, इफ़ यू आर गेटिंग इनटू सम काइंड ऑफ विजन, क्योंकि यूज़र जब वॉक थ्रू करता है तो देयर इज अ डिफरेंट एनवायरनमेंट वो उसके बारे में, क्योंकि सबसे बड़ी चेंज क्या है कि मुझे दिखाया क्या गया और बना कैसे. तो अब जब आप वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू उसको उसी हिसाब से मॉडल करते हैं तो इट इज़ मोर ऑफ अ रियलिस्टिक, बिकॉज समझे आप ऑटो कैड ड्राइंग्स, ये ड्राइंग्स हमारे पास वैसे ही बन रही हैं. जी जी. अब अगर उन ड्राइंग्स को ही, दैट ड्राइंग इज बेसिकली एस्टिमेशन ऑफ हाउ इट वुड लुक लाइक, बट इट वॉज इन 2D, देन वी मूव्ड ऑन टू 3D. उसके मुख्तलिफ, जैसे अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो मुख्तलिफ उसके प्लेटफॉर्म्स हैं, रिविट है, इंफॉर्मेशन मॉडलिंग कहते हैं उसके बिल्डिंग. नाउ दैट सेम इंफॉर्मेशन मॉडलिंग द यूज़र कस्टमर कैन गो थ्रू, नॉट ओनली यूजर्स बट दी स्टेक होल्डर्स. फॉर एग्जाम्पल एक किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की बात करें तो उसमें आपके पास ओनर, डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट और पोटेंशियल कस्टमर में भी, लाइकवाइज कॉन्ट्रैक्टर या कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसको कह रहे हैं. अब इनके जिस तरह से वे द प्रोजेक्ट्स आर डिलीवर्ड हैव इंटरफेस प्रॉब्लम्स, के इंफॉर्मेशन एक तरह से दूसरी तरफ शिफ्ट होती है. इफ़ वी कैन एम्बेड ऑल दीज स्टेक होल्डर्स इन टू अ मॉडल थ्रू वर्चुअल एनवायरनमेंट, सो दे वुड बी एट अ टाइम व्यूइंग दोज थिंग्स, गोइंग, चेंजिंग इट, विजुअलाइजिंग इट एंड मेकिंग बेटर डिसीजंस, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस इन द सेम एनवायरनमेंट. तो इसके ये भी एप्लीकेशन. वो आई हैव टोल्ड यू अबाउट मार्केटिंग, आई हैव टोल्ड यू अबाउट पोस्ट disaster. So there are many basically applications in that side, real estate. अगर हम बात करें तो wide variety of applications are available in different domains. जैसा कि sports हो गया, इसके अलावा architecture में तो हमने बात कर ली, medicine हो गया, arts हो गया, entertainment हो गया. तो अगर हम arts and entertainment की बात करें तो किस तरह से आप बताएंगे कौन सी applications हैं और किस तरह से काम करती हैं? तो बहुत ही advanced, अगर आप if you follow and maybe you can search net, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, आई कैन गिव एग्जांपल फिलीपींस, जो
एंड देयर वर टू केसेस जो कि मैं प्रोमिनेंट नॉर्मली उसको जो है कोट करता हूँ. एक माइकल जैक्सन की वर्चुअल एनवायरनमेंट में कॉन्सर्ट्स हुआ ये आफ्टर हिज डेथ, कि जो उनकी वीडियोस थी उनको ने सिमुलेट करके स्टूडियो उनको ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू काइंड ऑफ एन ऑगमेंटेड रियलिटी लाइव कॉन्सर्ट हुआ है. देयर वर नंबर ऑफ पीपल हु वर जिसको होलोग्राफिक इमेजिंग कहते हैं. लाइक वाइज फिलीपींस की बहुत टॉप की, तो देर आर मैनी थिंग. मतलब लाइव जी कॉन्सर्ट हुआ है आफ्टर देयर डेथ. आफ्टर हिज डेथ जी लाइव कॉन्सर्ट हुआ है, लोग आए हैं, टिकट खरीदा जी जी जी. और वो दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट. उसमें डबल स्टूडियोज भी चाहिए होते हैं एंड देर आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज. स्पेसिफाइड कंपनीज हैं वर्ल्ड वाइड जो कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इस तरह के कॉन्सर्ट्स के लिए, इस तरह की होलोग्राफिक इमेजिंग के लिए जो है ना वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. सर बीच में हमने क्लोनिंग का भी बड़ा सुना था, तो इज इट रिलेटेड? इट इज काइंड ऑफ दैट. हमारे यहाँ भी मीडिया इंडस्ट्री में भी कुछ हैं जो कि इसको टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं फॉर देयर डिस्कशन प्रोग्राम्स एंड दोज काइंड ऑफ एप्लीकेशंस, और वो होलोग्राफिक इमेजिंग को ही यूज़ कर रहे हैं. मैं तो आपको आफ्टर डेट बता रहा हूँ, रियल टाइम में भी हो सकता है. रियल टाइम में तो बहुत आसान है. यूज़र कुड बी इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस एंड दे कैन मीट इन एट अ सेम. तो होगा ये कि जो यूज़र, उसके लिए जाहिर सी बात है प्रोग्रामिंग और उसके प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट के अलग एस्पेक्ट्स हैं, वी कैन नॉट गो इनटू दैट काइंड ऑफ डिटेल नाउ. लेकिन होता ही है कि फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँ, आई माइट नॉट हैव बीन हियर, आई माइट हैव बीन एट अ स्टूडियो लेट्स से एट एनईडी एंड आई कुड बी देयर एंड वी कुड लिंक अप थ्रू नेटवर्क एंड स्टिल आई वुड बी सिटिंग इन द स्टूडियो एंड आई वुड बी एज लाइव एज आई. उसमें पर्सपेक्टिव चेंज कराना, वो गाइड वो वहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, वी वुड हैव बीन टॉकिंग जस्ट लाइक वो. दैट इज मिक्स रियलिटी. सो इवन दैट इज पॉसिबल एंड दैट इज हैपनिंग. अच्छा, अभी हमने वर्चुअल रियलिटी का तो नाज़रीन को बता दिया, अभी हम ऑगमेंटेड एंड मिक्स रियलिटी जैसा आपने बताया उसके बारे में अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे. ये जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी रिलेटेड टू होलोग्राफिक इमेजिंग, रिलेटेड टू द स्टूडियो जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये ऑगमेंटेड की एग्जाम्पल्स हैं. देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल में आप वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं एंड देन द यूज़र और द कंट्रोलर इज इमर्स्ड इन टू द वर्चुअल. तो द इन्वायरमेंट जो है वो वर्चुअल है और एक बंदा उसमें या जितने भी लोग हैं वो जाकर दे आर फीलिंग दैट और सेंसिंग दैट. एंड बाय द वे सेंसिंग एंड फीलिंग हैज़ मैनी एप्लीकेशंस. वाइब्रेशन के थ्रू 4D सिनेमास का अगर आपने नाम सुनो, इम्पैक्ट क्रिएट किए जाते हैं अदर देन दैट एनवायरनमेंट. फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम लुकिंग एट अ मूवी, 3D मूवीज जैसे हैं, तो 3D तो आपको 3D इमेज और इमर्सिव देता है. लेकिन अगर आप देखें 4D या डी बॉक्स जिन्हें कहते हैं US में, उसमें क्या होता है कि इवन द इम्पैक्ट, फॉर एग्जाम्पल इफ द मूवी इज इन शिप, तो वो शिप मूव करेगी तो वो आप भी फील करेंगे. स्प्रे ऑफ द वाटर, यू विल फील द स्प्रे ऑफ द वाटर. बिल्कुल ऑगमेंटेड इज अदरवाइज. अदरवाइज इस तरह से कि बिल्कुल अपोजिट है और या मिक्स्ड टूवर्ड्स है वर्चुअल रियलिटी की ही एक्सटेंशन या उसकी ही टाइप. उसमें होता ये है कि आपके पास रियल इन्वायरमेंट, जैसे ये रूम है सही, इसमें आई कैन हैव अ ग्लास विच इज नॉट एग्जिस्टिंग हियर बट दैट इज अ वर्चुअल ग्लास बट इट वुड लुक लाइक इफ इट इज लाइंग ऑन द टेबल. उसको कहते हैं मिक्स. बेसिकली रियल एनवायरनमेंट में वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स को ले आना ऑगमेंटेड है. ये मैजिशियंस भी कहीं यही तो नहीं करते? नहीं, मैजिशियंस ट्रिक्स हैं वो. हम जो देखते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, वो ट्रिक्स है. तो आप भी ऐसी कोई रियलिटी की बात कर रहे हैं? लगेगा ऐसे ही. अच्छा, लेकिन वो लगेगा ऐसे ही बट इट इज काइंड के आप रियल सिनेरियो में वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स को लेकर आ रहे हैं, दैट इज ऑगमेंटेड. Okay. वो ऑब्जेक्ट जो है एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा. और ये नहीं कि वो, उसको कहते हैं परसेप्शन, जो यूजर का परसेप्शन है उसको आप इंक्लूड कर रहे हैं रियल एनवायरनमेंट में. और वर्चुअल में यूजर को वर्चुअल एनवायरनमेंट में लेके जा रहे हैं. तो ये इनका मेन डिफरेंस है. ठीक ठीक, थोड़ा समझ में तो आया है. मुझे उम्मीद करते हैं नाज़रीन को भी समझ में आया होगा. इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो प्रोजेक्ट है जो आपका इंस्टीट्यूट जो चला रहा है प्रोजेक्ट जिसमें आपने वर्चुअल लैब बनाई है, तो उसके बारे में बताएं कि वो किस नौयत का प्रोजेक्ट है और वो कहाँ कहाँ और किस किस शोबे को जो है उससे फ़ायदा पहुँच रहा है. अच्छा, इफ़ यू अलाउ मी, जी लेट मी नरेट अ स्मॉल स्टोरी अबाउट दैट. बिल्कुल. इट ऑल स्टार्टेड विद और मैनी ऑफ द ऑडियंस उनको ये से गूगल कार्डबोर्ड का अगर नाम सुनाओ
सिमिलर टू दैट तो बहुत सारे लोकल वो आ चुके हैं. इट ऑल स्टार्टेड विद दैट. सो वंस माय प्रोफेसर नाउ ही इज द वाइस चांसलर एट दैट टाइम इज द डीन डॉक्टर सरोज लोधी. सो वी वर जस्ट सिटिंग एंड वी वर डिस्कसिंग यार ऐसा नहीं हो सकता कि बिकॉज ही वॉज वेरी ही इज़ वेरी मच इन टू द टेक्नोलॉजी साइड कि हम जो है ना वो प्रोफेसर कहीं और बैठा हो हम उसको यहाँ ले आए वो ऑगमेंटेड कीज हैं तो या वी कैन विजुलाइज डिफरेंट बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स और दीज काइंड ऑफ थिंग्स टू द स्टूडेंट द क्लास सो दैट वी कैन चेंज द परस्पेक्टिव. सारी फॉर एग्जाम्पल माई बैकग्राउंड इज सिविल इंजीनियरिंग. उसका तमाम का तमाम जो एजुकेशन डिलीवरी है वो डिपेंड करता है हाउ यू द टीचर एंड द स्टूडेंट आर परसीविंग द ऑब्जेक्ट्स. बिकॉज हम एक बिल्डिंग पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उसके व्यू बनाए बट 2D में तो दैट वुड तो इट ऑल स्टार्टेड. मैंने कहा आई लकीली हैड अ चांस व्हाइल बीइंग इन US टू एक्सपीरियंस अनदर फैसिलिटी काइंड ऑफ सेम बट नॉट दैट एडवांस दैट वी हैव. तो मैंने थोड़ा जिक्र किया कि वी कैन गो फॉर वर्चुअल रियलिटी फॉर दैट सेंस एंड वो बात जो थी वो जिस तरह से डिस्कशन थी देन ही वेंट समवेयर एंड ब्रॉड दोज ये तो मैं भी बना लेता हूँ. मैं उन्होंने कहा ये देखो ये है वो जो गूगल कार्डबोर्ड के पैकेजेस लाए जो कि आपके मोबाइल डिवाइस से काम करते हैं और इट ऑल स्टार्टेड विद दैट 200 रुपी कार्डबोर्ड ग्लास. आई एंड देन वी वेंट ऑन वर्किंग एग्रेसिवली ऑन दैट एंड वी वर एबल टू एस्टेब्लिश गेट द यूनिवर्सिटी बेसिकली इन्वेस्टेड इट्स ओन फंड्स थ्रू इट्स ओन रिसर्च फंड्स और वो वी एस्टेब्लिश NED वर्चुअल रियलिटी सेंटर जस्ट अ मंथ फ्यू डेज अगो. और इस फैसिलिटी में बेसिकली वी हैव 3 डिफरेंट सिस्टम्स. ओके. वन इज़ वर्चुअल टीमिंग. वी हैव इंटरेक्टिव पैनल सिस्टम जिसमें गूगल सॉरी एंड्रॉयड एंड विंडोज एंड वी हैव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. द सेम काइंड ऑफ फैसिलिटी विच वी यूज विच इज यूज फॉर वर्चुअल टीमिंग फॉर वेबकास्टिंग ऑनलाइन लेक्चरिंग. देन द अदर सिस्टम इज वॉकिंग VR सिस्टम उसको हम कहते हैं विच वी हैव 3-4 सिस्टम्स इन विच वी हैव वी कैन एक इंडिविजुअल को हम इमर्स कर सकते हैं इनटू वर्चुअल एनवायरनमेंट. और उसका जो बेसिक है इट वर्क्स विद सेंसर्स कंट्रोलर्स एंड ऑकुलस. बेसिकली ऑकुलस रिफ्ट का अगर नाम सुनो दे आर बेस्ड ऑन ऑकुलस बेस्ड सिस्टम्स ऑकुलस रिफ्ट बेस्ड सिस्टम्स जिसकी स्पेक डिज़ाइन वगैरह सारी हमने की है. बट देन वी कैन इमर्स अ सिंगल पर्सन इनटू अ वर्चुअल एनवायरनमेंट एंड इट कैन बी यूज फॉर अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स. हमारे यहाँ मुख्तलिफ कोर्सेज होते हैं उसमें वो ऑलरेडी इट इज़ एम्बेडेड. जैसे एक हम जियो इन्फॉर्मेटिक्स का कोर्स पढ़ाते हैं तो कैन इट बी टू वे. इट कैन बी टू वे. आई विल टेल यू हाउ. स्काइप के थ्रू भी वो है लेकिन उसके मुख्तलिफ उसके जो है ना मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग और डिवाइसेस चाहिए. और द शो पीस दैट वी हैव इज कॉल्ड प्रोजेक्शन VR सिस्टम. वी हैव अ बिग केव. इट इज़ कॉल्ड कॉर्नर केव केवन इन्वायरमेंट जिसमें हमारे पास एक 90 डिग्रीज पे एक पूरा केव है जिसमें अ ग्रुप ऑफ पीपल कुड बी इमर्स इन टू द वर्चुअल इन्वायरमेंट. तो देर इज़ वन कंट्रोलर. तो जैसे मैंने आपसे स्टेक होल्डर्स वगैरह की बात की थी कि अगर दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट और ट्रेनिंग्स फॉर एग्जाम्पल अगर टेक्नीशियंस हैं एंड लेट्स से आई हैव टू ओपन अप एन इंजन आई हैव टू शो के उनको इंजन डिसम्बल और रीअसम्बल कैसे होता है. वी कैन प्रोग्राम इट एंड वी कैन ट्रेन विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ ए फिजिकल मॉडल all the technicians or engineers ke bhai ye is tarah se and it can track the routine sequence if you are doing it wrong it can track it back. Achha. Then there are other applications. We can walk through the buildings, we can walk through the check the conflicting points. Likewise usme jo ke hum inshallah aista aista usko zahir si baat hai we are exploring, we are trying to use it for it can track your coordinates. Motion tracking ek mere zehen mein aspiration hai kisi waqt inshallah कि फॉर एग्जाम्पल आप ये क्रिकेट का वैसे ही आजकल सीज़न है तो अगर आप देखें तो ये जो बॉलिंग एक्शन के प्रॉब्लम्स होते हैं इसमें बायो मैकेनिक्स की लैब्स होती है और एंगल्स इसके बारे में बॉलिंग एक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे राइट आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक नाज़रीन. हम ब्रेक से पहले जैसा कि डिस्कस कर रहे थे वर्चुअल रियलिटी के बारे में और किस तरह से एप्लीकेशंस डेवलप हो चुकी हैं और किस तरह से जो है चीज़ें जो हैं टेक्नोलॉजी की वजह से कितनी रैपिडली चेंज हो रही हैं. मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ. आज का शो भी आपको
यकीनन इन्फॉर्मेटिव रहेगा आपके लिए भी। इसके अलावा जैसे कि हम ब्रेक से पहले डिस्कस कर रहे थे बॉलिंग एक्शन के बारे में, जो कि फ़ारूक साहब की एस्पिरेशन है, तो फ़ारूक साहब अपनी एस्पिरेशन के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। एक आइडिया है, इट विल टेक टाइम ऑब्वियसली। जब आप चेक करते हैं जो 15 डिग्रीज है सारे चक्कर, तो बॉलर हैज़ टू, एज पर माई नॉलेज, कि बॉलर हैज़ टू बॉल अ लॉट ऑफ डिलीवरीज टू गेट टेस्टेड, और वो उसकी मुख्तलिफ एक्रेडिटेड ICC लैब्स वगैरह जी और उसमें फिजिकली सेंसर्स लगाकर और वो सारा करते हैं। हमारे यहाँ भी है लाहौर में यूनिवर्सिटी में PC एक्रेडिटेड। अब उसमें अगर इफ़ वी वॉन्ट वी मे बी एबल टू डू इट इन वर्चुअल इन्वायरमेंट एज वेल, एटलीस्ट के मे बी नॉट टेस्टिंग, बिकॉज टेस्टिंग के प्रोटोकॉल्स अलग हैं, बट एटलीस्ट टू गाइड द पर्सन कि भाई उसको किस तरह से डिलीवर करना है, हाउ यू शुड फील लाइक दैट, सो दैट ई कैन बी ट्रेंड। तो उसमें हमारे पास मुख्तलिफ वो कहलाती है मार्कर IDs, वी कैन इंस्टॉल डिफरेंट मार्कर्स वो घड़ी की तरह से, और वो हर एक मार्कर पे एक सेंसर है। ठीक ठीक। एंड वैन यू डिलीवर द एवरी सेंसर पोजिशन इन XYZ कोऑर्डिनेट, वो चेंज उसका आता है, वी कैन गेट दैट डेटा एंड एनालाइज की प्रॉब्लम क्या है। तो कम अज़ कम एनालिसिस या उसको वो एक है कि इंशाल्लाह वो इट्स मोर ऑफ अ combination of being in virtual and coordinate tracking. उसके बाद उसको guide भी करेगा कि ये problem इस वो data analysis की base में मैं guide कर सकूँगा या जो भी उसको test करेगा, मतलब हाँ। तो वो उससे फ़ायदा ये होगा कि जाहिर सी बात है वो real environment से तो different, as I said कि वो testing protocols पर अलग है। अच्छा। लेकिन ये कि उसकी tracking हो जाएगी, उसको guide खास तौर पर early age में अगर बच्चों को, तो वो उनकी आदत नहीं बनेगी, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो भी की जा सकती हैं। सही, वो खेल का खेल है बच्चों के लिए, इफ दे आर थ्रोइंग द बॉल इन अ वर्चुअल, वो खेल का खेल है, खेल का खेल। और करेक्शन हो सकती है, स्पेशली एक्शन की करेक्शन हो जाएगी राइट ऑन द टाइम, क्योंकि वो जब सीख रहा है बच्चा तो उसको उस वक्त अगर करेक्शन हो जाए, ट्रेनिंग मिल जाए, तो आई थिंक वो डेवलप ही नहीं करेगा ऐसा बिहेवियर। और हैं ऐसे गेम्स हैं, क्रिकेट गेम वर्चुअल में अवेलेबल है, लेकिन मैं उसकी ट्रैकिंग की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अभी अगर हम बात करें मेडिकल से रिलेटेड, बड़ी एडवांसमेंट आई हैं कुछ अरसे में, और वर्चुअल हॉस्पिटल भी डेवलप हुआ है, तो इसके बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि मेडिकल से रिलेटेड आपकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं और क्या अगेन बेनिफिट है इसमें, जो इसके जो एडवांटेज है, जैसे मैंने कहा कि आपको फिजिकल मॉडल नहीं चाहिए टू गेट पीपल ट्रेंड एंड टू बेसिकली सिमुलेशन के ज़रिए आप, तो अगर आप मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स को भी देखें, दे नीड अर बॉडी टू गेट, उस पर ट्रेंड होते हैं मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स, उसके नॉमन क्लेचर और तमाम चीज़ें। इसी तरह से वी कैन हैव और ये हो रहा है, ख़ासतौर पर एक हॉलोलेंस जो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, उनके साथ एक यूनिवर्सिटी, मेरे जहन से नाम निकल गया, US की, उन्होंने अभी रिसेंट उनका एक बहुत बड़ा कन्वेंशन होता है या इस तरह की कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने ये फील भी कराया था कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स थ्रू ऑगमेंटेड। इसी तरह वर्चुअल में भी कि अगर आपके पास एक वर्चुअल बॉडी डिज़ाइन, उसके पार्ट्स, और यू कैन ट्रेन मेडिकल स्टूडेंट्स फॉर नॉमन क्लेचर, समटाइम यू कैन, बिकॉज इट इज़ इंटरेक्टिव। जैसे मैं जो आप प्रोजेक्शन VR की बात कर रहा था, पार्डन मी इफ़ आई साउंड टू मच टेक्निकल, बट वो जो उसकी डेफिनेशन है वो है इमर्सिव इंटरेक्टिव फिजिक्स इनेबल्ड वर्चुअल इन्वायरमेंट। अब मैं अगर थोड़ा सा मुझे मौका दें, इमर्सिव तो वही है कि यू आर बींग इन द वर्चुअल इन्वायरमेंट, इंटरेक्टिव कि आप उसमें चीज़ें चेंज कर सकते हैं। बिल्डिंग फिजिक्स इज द रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल इफ आई थ्रो समथिंग ऑन दिस फ्लोर तो द लाइक अ बॉल, तो इट विल बाउंस बैक, इट मे मेक अ साउंड। इफ आई थ्रो द बॉल लेट्स से ऑन अ विकेट, तो द विकेट्स वुड गेट, वो टूटेंगी, उसकी आवाज़ आएगी। तो वो जो आवाज़ आना, जो उसकी फिजिकल रिएक्शन का फील होना, इन वजह वो कहलाता है फिजिक्स इनेबल्ड। तो ये तमाम चीज़ें उसमें मौजूद हैं। अब अगर आप मेडिकल साइंस के हिसाब से भी देखें, इफ़ यू हैव अ बॉडी, और बहुत सारे न्यूरोलॉजी में, न्यूरो सर्जरी वगैरह में वर्चुअल ट्रेनिंग्स जो होती हैं वो वर्चुअल मॉडल के ही थ्रू की जाती हैं, डिस्टेंट ट्रेनिंग्स जो हैं। अच्छा। और उसमें आप यू कैन हैव अ मॉडल ऑफ ब्रेन, लेट से मॉडल ऑफ, जो कि सॉफ्ट मॉडल है, वर्चुअल मॉडल है, और उसके अंदर आप चीज़ें डिफरेंट बता सकते हैं, नॉमनक्लेचर बता सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड, इट हैज़ वेरी ब्रॉड डोमेन ऑफ एप्लीकेशन मेडिकल साइंस। सबसे ज़्यादा यूज ही जो इसका है वो मेडिकल साइंस और स्पेस साइंसेज और डिफेंस।
डिफेंस जी इनटू डिफेंस रिलेटेड कौन सी एप्लीकेशन है जो कि पाकिस्तान में अभी यूज़ हो रही है या इंटरनेशनली यूज़ हो रही है? सर पाकिस्तान में जो हो रही हैं उसके बारे में जाहिर सी बात है वो डिफेंस इंडस्ट्री यानी हमारी आर्मी अच्छा। फोर्सेज ज़्यादा जानती है, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज फ्लाइट सिमुलेटर इज़ अ गुड एग्जाम्पल, और वो डिफेंस में नहीं, वो हमारे PIA और ये तमाम फ्लाइट सिमुलेशन एविएशन इंडस्ट्री में जो यूज़ हो रही है। हाँ इसी तरह, लेकिन लेट मी शो यू बैकग्राउंड, 1990s में जो ऑगमेंटेड का जो स्टार्ट है बेसिकली वो हुआ ही जो रियल उसको कहते हैं रियल ऑगमेंटेड जो इन्वायरमेंट फर्स्ट टाइम क्रिएट की थी वो एयरफोर्स ने की थी, US एयरफोर्स ने। और इवन जो ट्रेनिंग्स होती हैं मुख्तलिफ सोल्जर्स की इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, कुछ हद तक जो मैंने पढ़ा भी है एंड देर आर सर्टेन मटेरियल अवेलेबल ऑन द वेब एज वेल इफ़ यू लुक एट, कि जो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग्स हैं हाउ टू रिएक्ट इन अ क्राइसिस वो भी वर्चुअल एनवायरनमेंट के जरिए होती है। मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी थी एक काउंटर स्ट्राइक गेम की, ऑल दो अगेन आई से दैट आई हैव माई ओन ओपिनियन अबाउट दोज काइंड ऑफ गेम्स, बट उसमें अगर आप देखें तो इट इज़ द सेम काइंड ऑफ अ थिंग जिसमें यू गो थ्रू एनवायरनमेंट क्राइसिस और आपको नहीं पता, और तमाम लोग जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते थे वो तमाम के तमाम रियल है। इसका जो रूट है वो रूट वही है डिफेंस ट्रेनिंग और इस तरह की चीज़ें। ओके ओके जी जी। तो ये ऐसे गेम्स भी जो हैं आपके डिफेंस की रूट वहीं से है। ठीक कह रहे हैं। अच्छा इसमें इंटरनेट का जैसे रूट है वो भी डिफेंस इंडस्ट्री से था, इंटरनेट वॉज वे ऑफ कम्युनिकेटिंग बिटवीन दी डिफरेंट ग्रुप्स बिटवीन द, और फिर वो कमर्शलाइज हो गया। अब जो ऑगमेंटेड कमर्शलाइज हो तो सबसे पहले वो एंटरटेनमेंट और इस तरह की इंडस्ट्रीज में, क्योंकि उसकी कैचीनेस जो है ज़्यादा वो उसी में शुरू उसी से। लेकिन अब अगर आप देखें तो वर्ल्ड वाइड देर आर मैनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल जिसमें, और यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल हैं जिसमें आप उसको एप्लीकेशन साइड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इंजीनियरिंग साइंस में, मेडिकल में, आर्ट्स में, इन तमाम चीज़ों में। तो इसका अगर हम अपने व्यूअर्स को शॉर्ट करके बताएं तो क्या क्या बेनिफिट्स इससे हासिल हो सकते हैं, क्या ये कॉस्ट को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, एक तो ये भी बताएं और बेनिफिट्स थोड़े से बता सकें अगर इन्वेस्टमेंट वाइज। जी यू मे से कैपिटल कॉस्ट तो है ना अगर आप इस तरह का सिस्टम लगाते हैं, विच इज़ आई डोंट थिंक सो इन लॉन्ग रन, आप उसकी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग करें इट नॉट कॉस्ट यू मच। सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि यू डोंट नीड फिजिकल मॉडल्स, यू डोंट नीड फिजिकल एनवायरनमेंट्स, यू कैन क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट, गेट पीपल ट्रेन इन दैट, खासतौर पर ट्रेनिंग। दैट वॉज द फर्स्ट परस्पेक्टिव ऑफ हाउसिंग दिस काइंड ऑफ अ फैसिलिटी NED. NED इज बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो हमारा तो मकसद ये है कि यू कैन गिव बेटर एनवायरनमेंट टू स्टूडेंट्स और उनको टेक्नोलॉजी के साथ पैरेलल रखा जाए, वरना इफ दे गेट ऑब्सोलीट बेसिकली इकोनॉमी विल गेट ऑब्सोलीट एंड कंट्री विल गेट ऑब्सोलीट। तो हमारा तो मकसद ये है कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को कटिंग एज टेक्नोलॉजीज से इंट्रोड्यूस और उसको पैरेलल रखें। तो फिजिकल मॉडल्स के बगैर जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो उसकी बहुत सारी कॉस्ट बच जाती है। यस देर आर प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट्स। दूसरी चीज़ इसमें यह समझिए कि इट प्रोवाइड्स यू बेटर फीलिंग। फिजिकल मॉडल्स कैन नॉट बी बिग, यू कैन नॉट बी, समटाइम्स देर आर केसेस बट उसमें आप इमर्स नहीं हो सकते। मैं एक बिल्डिंग का मॉडल बनाता हूँ, मैं असली बिल्डिंग के साइज का नहीं बनाता, इसमें आप असली बिल्डिंग में ही घूम रहे हैं एज इफ। लाइकवाइज समटाइम्स फिजिकल मॉडलिंग इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्यों? क्योंकि उसके जो माइक्रो लेवल की फीचरिंग है, उसकी जो माइक्रो डिटेल्स जिसे हम कहते हैं, वो इतनी छोटी चली जाती है कि एक लेवल तक आप मॉडल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं है। इसमें यू हैव द एडवांटेज व्हाट मैक्सिमम यू नीड इन लेमेंस लैंग्वेज, आपको जूम करना पड़ेगा उस पर, तो वो जूम करके आप बिल्कुल माइक्रो फीचर्स तक जा सकते हैं। तो इट प्रोवाइड्स बेटर एक्सपीरियंस, कॉस्ट कटिंग इन द सेंस के यू वुड नॉट नीड काइंड ऑफ फिजिकल मॉडल्स, एंड ऑफ कोर्स सबसे बड़ा फायदा ये है कि मॉडल ऑब्सोलीट नहीं हो रहा, बिकॉज मॉडलिंग आप कर रहे हैं, आप जिस तरह का मॉडल बनाएं, आप उसमें से जिस किस्म की इंटरेक्टिवनेस रखें, तो प्लेटफॉर्म इज देयर नाउ मॉडल करके आप जिस, ये नहीं है कि आज हमने एक फिजिकल मॉडल बनाया चंद साल में वो ऑब्सोलीट हो जाएगा फॉर एग्जांपल फॉर ट्रेनिंग, उसमें तो वर्चुअल मॉडल यू कैन डू मॉडिफिकेशंस विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट एंड इट विल बी देयर। तो सस्टेन्ड है ये इस किस्म की टेक्नोलॉजी, जाहिर सी बात है आपको उसके साथ एडवांसमेंट करती रहनी पड़ेंगे, अपडेट करने, कॉस्ट कटिंग इस हिसाब से कि फिजिकल मॉडल और बेटर एक्सपीरियंस फॉर ट्रेनिंग एंड फॉर ऑल रिलेटेड थिंग्स। अच्छा आई थिंक योर इंस्टीट्यूट इज द फर्स्ट वन हु हैज ऑप्टेड दिस एज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। सर आई एम वेरी प्राउड टू से दिस, नॉट ओनली ऑन बिहाफ ऑफ माई इंस्टीट्यूशन, इट इज़ द फर्स्ट फैसिलिटी ऑफ इट्स काइंड
एनीवेयर इन पाकिस्तान in an education institution with that perspective, not only in Pakistan, but up to best of my knowledge in South Asia as well. Achha. The nearest I know, of course, through my vendors and other research or those kind of things, wo China mein hai. Achha, achha. Saudiya mein bhi ek aad facility hai. But this facility is, I can give you the comments of different people from industry who have visited. They think that ye kam as kam 10-15 saal आगे की वो है जो तो as per best of my knowledge इस किस्म की फिर खासतौर पर projection VR जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जो सिस्टम है it does not exist the other systems might exist in one form or the other लेकिन as a facility there is no parallel facility available anywhere in Pakistan and as I said to best of my knowledge anywhere in South Asia in South Asia तो this is a big achievement that your institute has taken up और I believe कि ये हमारे students को train ना के train करेगा बल्कि ये पॉलिश भी करेगा सो दैट वी कैन कम्पीट आउटसाइड पाकिस्तान एज वेल जी बिल्कुल इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि वी विल टेक इट इसकी फर्दर एक्सटेंशंस भी हमारे जहन में वंस वी गेट फुल यूज़ ऑफ दिस फैसिलिटी हमारा इरादा है कि इसको बढ़ाना अभी हमारे पास टू वॉल सिस्टम है वी कैन गो फॉर डिफरेंट एक्सटेंशंस इसमें मुख्तलिफ एक्सटेंशंस हो सकती हैं नंबर ऑफ़ पीपल हु कैन बी इमर्स वो बढ़ सकते हैं तमाम चीज़ें और ऑगमेंटेड की तरफ जाने के भी इंशाल्लाह इरादा है एज जी अच्छा तो इसके अलावा हमने बेनिफिट्स की तो बात कर ली एडवांटेजेस की बात कर ली तो अब अगर हम बात करें चैलेंजेस एंड थ्रेट्स की तो आपको क्या चैलेंजेस दरकार हैं और क्या थ्रेट्स हैं आपको ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है लेट मी एक्सप्लेन कि कुछ चैलेंजेस और थ्रेट्स जो है ना वर्चुअल रियलिटी की अपनी इंडस्ट्री को भी है मैं रिसेंटली डिफरेंट एक इसका बहुत सारा ताल्लुक जो कुछ अनएक्सप्लोर्ड किस्म की चीज़ें इन द यूज़ ऑफ वर्चुअलिटी देखें हर टेक्नोलॉजी और हर चीज़ के इस्तेमाल की ज़्यादती जो है इंडिविजुअल ह्यूमन बॉडी पे इट कैन हैव इम्पैक्ट तो देर आर सर्टेन थिंग्स मैं लोगों को अक्सर ये बताता हूँ कि और इट इज़ काइंड ऑफ अ थिंग अब एकदम वर्चुअल में चले जाते हैं ना यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट फॉर 4-5 hours समटाइम्स इतना वो इमर्सिव और मज़ेदार हो जाता है लेकिन इसकी बहुत सारी एक तो इंडस्ट्री बिकॉज ख़ास तौर पर ऑगमेंटेड के हवाले से इट्स इन डेवलपिंग स्टेज मेरे अपने अंदाज माइक्रोसॉफ्ट जिस तरह से इसको हैंडल कर रहे हैं दे आर डूइंग अ गुड जॉब एज फार एज आई अंडरस्टैंड कि वो उसको डेवलपर साइड पर रखे हुए क्योंकि एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज़ वेरी नेसेसरी टू दैट लेकिन इसके इम्पैक्ट्स हो सकते हैं अगर वो एप्लीकेशन क्योंकि बहुत तेज़ी से चेंज होता है तो इंडस्ट्री हैव टू बी ऑन देयर टोज जो कि इसमें काम करें दे आर दूसरा अगर इसका एक्सटेंडेड यूज़ है एज आई सेड किसी डिजीनेस है तमाम चीज़ें खासतौर डेवलपर के भाई उन इम्पैक्ट्स को जो है ना एक्सप्लोर होने की अभी ज़रूरत है कि क्या एक्सटेंडेड यूज़ ऐसा तो नहीं है कि आप उससे बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो जाएं इन अ वर्चुअल इन्वायरमेंट जैसे कि आप अक्सर एनी कॉमन हाउस आप बच्चा जब गेमिंग में ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल के आजकल जो चक्कर हैं बिल्कुल जब ज़्यादा पढ़ता है तो उसकी थिंकिंग एबिलिटीज़ पे यकीनन कुछ ना कुछ फ़र्क क्योंकि ही इज़ बीइंग देयर फॉर लॉन्ग टाइम देन रिक्वायर्ड तो ये भी हमें देखना है कि इसका एक बैलेंस यूज क्रिएट किया जाए अच्छा तो और थिंकिंग एबिलिटी के अलावा अगर हम देखें तो फिजिकल एबिलिटी भी उसकी कम होती एग्जैक्टली फिजिकल जैसे यूएस में व्हेन आई वाज देयर जो उनका सबसे बड़ा कंसर्न था एंड इट वाज पब्लिक जी जी वो ये था कि उनके जो खासतौर पर यंग एज के जो बच्चे वो दे वर सो इन्वॉल्व इन वर्चुअल रियलिटी सॉरी गेमिंग के फिजिकल गेम्स की तरफ से उनका ध्यान हटा और उनके ओबेसिटी लेवल्स जो थे दे वेंट वेरी हाई तो बाय द जब ओबामा वाज द प्रेसिडेंट सो हिज वाइफ वाज एन एम्बेसडर फॉर दैट के लोगों को बच्चों को घरों से निकाल कर गेम से निकाल कर उनको फिजिकल स्पोर्ट्स की तरफ लाया जाए बिल्कुल खास तौर पे जो गेमिंग के हवाले से बात है ना इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग इट्स पॉजिटिव टू दैट लेकिन अगर उसका ओवर यूज हो आज गेमिंग के लिए तो इट वुड रिफ्रेन द चिल्ड्रन स्पेशली के वो रियल गेम क्योंकि रियल गेम की बात फिर अपनी जगह है अगर आप वीडियो गेम में बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं और अगर आप रियल में खेलना चाहते हैं और जो ऑलवेज भी आपके फिजिकल यू विल नॉट बर्न योर कैलोरीज इसके अलावा अगर हम बात करें चैलेंजेस की तो और ये चैलेंज आपको आता है कि हमारी जो यूथ है या हमारी जो कंट्री है वो इतना टेक्नोलॉजी सेवी नहीं है या टेक सेवी नहीं है और जो कनेक्टिविटी है हमारी कनेक्टिविटी का भी इशू है क्योंकि हम कराची और लाहौर और इस्लामाबाद में तो कवर कर सकते हैं उसके अलावा अगर हम जब देही इलाकों में जाते हैं तो वी डोंट हैव कनेक्टिविटी
तो ये चैलेंजेस भी आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में आपको आएंगे या यू हैव ओवरकम दीज चैलेंजेस? सर, क्वालिटी ऑफ कनेक्टिविटी पे तो शायद हम बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन जो कवरेज ऑफ कनेक्टिविटी है वो जो अब सेलफोन की एक्सटेंशन हुई है 3G 4G, तकरीबन मोर और लेस हर इलाके में वो पहुँच चुका है। अब उसकी क्वालिटी कैसी है इस पर डिबेट हो सकती है सम अदर टाइम। आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ रूम टू इम्प्रूव दैट क्वालिटी। जो पहला सवाल था आपका रिगार्डिंग, मैं थोड़ा सा भूल गया, अगर इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, कि हमारे टैक्स सेवी नहीं है। बिल्कुल, आई वुड से इतना ख़राब नहीं है। अगर आप प्राइवेट यानी लोगों को इंडिविजुअल यूज़ करते हुए देखें, एवरीबडी सिटीज़ के, यानी ये बात सही है, एवरीबडी इज़ यूजिंग स्मार्टफोन, समटाइम्स मोर देन वन, एवरीबडी इज़ यूजिंग अ टैबलेट, एवरीबडी इज़ यूजिंग गूगल मैप्स फॉर देयर राउटिंग, अब बहुत इम्प्रूव हो गए हैं बल्कि गूगल, एवरीबडी इज़ यूजिंग व्हाट्सएप दिस कैंड। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो ज़्यादातर सोशल मीडिया और उस हिसाब से ज़्यादा है। एप्लीकेशन साइड पे इट डिपेंड्स कि आप मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव में मुख्तलिफ किस्म का है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो यंग जनरेशन ख़ास तौर पर दे आर वेरी मच इंटू, दे वॉन्ट टू यूज़ टेक्नोलॉजी फॉर अ लॉट ऑफ purposes and they are not reluctant. Every time there is a change in lifestyle, वो इस पर resistance तो आती है, तो technology के adoption भी एक किस्म की उसको भी resistance आती है। resistance लेकिन है। मेरे मे बी आई अब यू के उसकी जो अर्बन साइड ऑफ पाकिस्तान है ख़ास तौर पर, इवन villages में भी you may find a different pattern. Different people pattern are willing pattern. एक्सेस क्वालिटी ये एक अलग बात है जी, जी, और इसका ज़्यादातर जो सेहरा है ना वो जाता तो स्मार्टफोन पे ही है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। स्मार्टफोन ने इतनी चीज़ें जो हैं हमारे देही इलाकों में पहुंचा दी हैं, जैसे कि फेसबुक का अकाउंट जो है हर किसी के पास होगा, किसी के पास। तो आई बिलीव वो भी एक वर्चुअल रियलिटी है, क्योंकि आप जब उसमें घुसते हैं तो फिर निकलने का नाम नहीं लेते। ऑकुलस इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ फेसबुक। ओके, और वो मुझे वो उस तरफ जाते जा रहे हैं, जाते यार एक तरह का वर्चुअली है ना, यू गो टू पीपल्स हाउस विदाउट गोइंग देयर। फेसबुक यही है। तो लेकिन ये कि एज आई सेड देयर आर ऑलवेज प्रोज एंड कॉन्स। चैलेंजेस के हिसाब से अगर एक आप इजाज़त दें जी, जी, पाकिस्तान जो कर सकता है ख़ास तौर पे, क्योंकि हम हार्डवेयर साइड पे समटाइम्स वी आर वीक बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन सॉफ्टवेयर साइड पे जो है ना आई थिंक वी हैव टू मच पोटेंशियल। और हमें जाना चाहिए एज ए इंडस्ट्री टूवर्ड्स डेवलपिंग ऑफ वी आर बेस्ड प्लेटफॉर्म्स एंड सॉफ्टवेयर्स। आप इंडिया को देखें, पूरा बैंगलोर जो है वो आईटी से और सॉफ्टवेयर से, नॉट हार्डवेयर। तो हम भी इसको, इस चैलेंज को एज अ अपॉर्चुनिटी जो है ना, एज एन अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। खास तौर पे वीआर डेवलपमेंट, वी कैन डेवलप अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन साइड। सबसे पहले तो आई थिंक ये कॉन्टैक्ट सेंटर्स, अब आपने इंडिया की बात छेड़ी है, तो कॉन्टैक्ट सेंटर्स जो आए जी, उन्होंने बड़ा एक वर्चुअल रियलिटी जैसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया उन ऑफिसेज के लिए। टीमिंग है, वर्चुअल टीमिंग है, वो वर्चुअल टीमिंग होगी बेसिकली, जो कि आपके यूएस में बैठे हैं बट दे आर प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विस फ्रॉम इंडिया। वो अक्सर होता था, मैं यूएस में अगर मुझे कोई फोन की कंप्लेन थी तो मैं कॉल करता, लेकिन वो मिलती कहीं इंडिया में थी। इंडिया में थी, अच्छा। तो लेकिन इट इज सर्विस प्रोवाइड, यही इसी साइड को मैं कह रहा हूँ कि सॉफ्ट सर्विस प्रोवाइडिंग जो है जिसमें कम इन्वेस्टमेंट चाहिए, ज्यादा नॉलेज चाहिए, उस साइड पर अगर हम जाएं, क्योंकि हमारा मसला क्या, हमारा मसला है कैपिटल, यानी इनिशियल कैपिटल जो है वो मसला है जी, जी, जी। उसके लिए फिर आप लोन्स पे जाते हैं। इंडिविजुअल की बात करो, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पब्लिक और उस तरह की भी चीज़ों की, वो एक अलग डोमेन है। तो उसमें अगर वेंचर करना चाहें खासतौर पर यंग लोग, ये एक ऐसा स्किल सेट है कि जो कि उनको बहुत ज़्यादा अर्न करके दे सकता है। यू नीड जस्ट अ लैपटॉप, गुड लैपटॉप और गुड कंप्यूटर एंड सम प्रोग्रामिंग स्किल्स, एंड यू आर बीइंग देयर विदाउट बीइंग देयर एक्चुअली। एग्जैक्टली। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर फारूक साहब, इट वाज प्लेजर हैविंग यू। आपको दोबारा भी मधु करें, क्योंकि आज का शो का टाइम जो था थोड़ा था आई थिंक फॉर वर्चुअल रियलिटी जैसे टॉपिक के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग। थैंक यू जी नाजीन, उम्मीद करते हैं कि आज के टॉपिक से आपको बड़ा फ़ायदा हुआ होगा और एक इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा होगा। आईटी सेक्टर से इतना ही है, आपको ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। लाइव वायर की ट्रांसमिशन जारी है।